समाज सेवा में जावेद भी किसी से पीछे नहीं, गरीबों की सहायता करने में होती है खुशी। जनपद संभल के उपनगरी सरायतरीन के मोहल्ला कोटला निवासी जावेद पुत्र इकबाल, जो कि एक छोटी मोटी दुकान चलाते हैं, उन्होंने कई वर्ष पहले गरीबी का आलम देखकर गरीबों की मदद करने की मन में ठानी। तभी से जावेद समय समय पर गरीबों की मदद करने से पीछे नहीं हटते। कहने को तो सरायतरीन तथा संभल में तमाम राजनीतिक हस्तियां भी हैं, लेकिन गरीबों की परवाह क्यों नहीं करते। लेकिन संभल की उपनगरी सरायतरीन निवासी जावेद वैसे तो मजदूर हैं, लेकिन दिल से बड़े अमीर हैं। वह न केवल इंसानों की ही मदद करते हैं, बल्कि पशु पक्षियों को भी समय समय पर कुछ न कुछ खिलाते पिलाते रहते हैं। जब हमने उनसे पूछा कि आपके मन में गरीबों की मदद करने के लिए कब से ख्याल आया, तो उन्होंने बताया कि हमने गरीबी को बहुत नजदीक से देखा है और गरीबी को बारीकी से जानते हैं, इसीलिए मैंने गरीबों की मदद करने की ठानी है, क्योंकि गरीबों की मदद करके दिल को सुकून मिलता है। मैं जीवन हर मदद करता रहूंगा, मुझे ना तो राजनीति करनी है और ना ही समाज सेवी बनना है, मैं तो केवल गरीबों की मदद ही करना चाहता हूं और करता रहूंगा। सर क्या नाम है आपको? जावेद। आप क्या समाज सेवी करते हो, क्या क्या करते हो? सामान बांटता हूं और मैं चीनी बांट रहा हूं, जिसको चाहिए ले जाइए, मुर्गे की दुकान मेरी सरायतरीन मोहल्ले में, और मैं सरायतरीन का रहने वाला हूं, और मैं आगे को कंबल भी बांट रहा हूं और लिहाज भी बांट दूंगा, और जो परेशान है आप मेरे आपको बताइए, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। कल लग जाएंगे तो किन लोगों की सेवा करना चाहते हो? जैसे जो आप आए हैं, कुछ लोग बेचारों पर बारिश का असर हो गया, उन्हें मैंने आटा दिया, अभी 4-5 दिन से देता आ रहा हूँ, और जिससे जो उससे मदद होगी वो मैं करना चाहता हूँ गरीबों के लिए। जब लॉकडाउन में कितना सहयोग करा आपने? लॉकडाउन में मैंने दिल्ली में बांटा सामान, दिल्ली था मैं लॉकडाउन में, वहाँ पर कर दिया, दिल्ली में भी दुकान है, मगर जितना मैं स्टोर था उसका दिल्ली में मैंने 1000 किलो गेहूँ बांटी, जिसमें के 10 किलो फ्री दिए और किसाई के पैसे मैंने दिए, और चावल भी बांटे मैंने, बहुत चीज़ें बांटी और बांटता रहूँगा, जो कमाऊंगा मैं बांटूँगा। अल्लाह की राह में शिक्षा के क्षेत्र में क्या करेंगे आप, तालीम के क्षेत्र में जी? बच्चों के लिए मैं किताबें बांटना चाहता हूँ, अभी स्कूल में जब बच्चे चालू हो जाएंगे जाने, तो इंशाल्लाह जो विषय बनेगा वो मैं किताबें बांटूँगा बच्चों के लिए। अल्लाह की रहमत, और कोई भी कुरान शरीफ की कसम झूठी ना खाए, वो खाए तो निभाए, वो चाहे कोई भी हो, ले तो इस चीज़ को बीच में ना लाए, और मैं सब के लिए करना चाहता हूँ, मेरे लिए कोई धर्म नहीं, सब मेरे लिए भाई हैं, सब मेरी बहनें, माँ बेटी। बहनों के लिए शादी ब्याह के लिए? शादी ब्याह के लिए अभी 24 तारीख को एक लड़की की शादी है, उसमें मैंने उसको किया है, क्या बोलते हैं, चावल मैं दूंगा, 400-500 आदमी आ रहे हैं खाने के लिए, बूढ़े मोहल्ले में रहती हैं, और क्या बोलते हैं, कल मैंने चीनी भी दी है 5 किलो में, और चाय की पत्ती दूंगा 1 किलो, बहुत गरीब है बेचारे।